राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेले का आज भव्य समापन हुआ। देश के 27 राज्यों से 500 से अधिक ग्रामीण महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। मेले का मकसद देश भर से आई स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं के बने उत्पादों को बड़े शहरों में बिक्री का प्लेटफॉर्म देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। गुरुग्राम में ग्रामीण भारत की विविध संस्कृति, अनोखे उत्पाद, मधुर संगीत और अनगिनत स्वाद के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में ग्रामीण महिलाओं को बड़े शहरों में अपने उत्पाद की मार्केटिंग के साथ साथ बेचने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है। जो कला है गांव में मेरा बहुत सीमित था, यहाँ हमें सरकार ने आने का मौका दिया, बड़े प्लेटफॉर्म दिया और मेरा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और बहुत बड़े बड़े लोग आके हमारे ये कला खरीदते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम की एक साधारण किसान से सफल उद्यमी बन चुकी पूजा शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज हमारी कुकीज, लड्डू और बिस्किट 5-स्टार होटल के साथ साथ में सुपर मार्केट में भी जाते हैं, जिससे हमने गांव की 150 महिलाओं को समूह के माध्यम से अपने साथ में जोड़ा है और 1500 महिलाओं को हम अपने यूनिट का विजिट कराकर ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। स्वयं सहायता समूह को अपने उत्पाद बेचने के लिए मंत्रालय जल्द ही ई कॉमर्स के माध्यम से देश भर में उपलब्ध कराने जा रहा है। जो ये स्वयं सहायता समूह है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट की जो ई मार्केट पोर्टल है जेम उसके ऊपर डाला हुआ है और वहाँ सेल्स भी होना शुरू हो गया है, लेकिन जो हमारा मंत्रालय है अब अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तैयार कर चुका है और उसका भी लॉन्च हम जल्दी ही करेंगे, जिस पर SHGs के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस सरस आजीविका मेले में 27 राज्यों की 500 से अधिक ग्रामीण महिलाएं अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण मंत्रालय का लक्ष्य 2024 तक 10 करोड़ परिवार की महिलाओं को आजीविका मिशन से जोड़ने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।